इरादे कभी भी इतने कमजोर नहीं होने चाहिए दोस्तों कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, हाँ जी, बहुत खास है, बहुत ज़्यादा विशेष है। मिथुन राशि का अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन, अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे रहेगा नहीं, आपके सभी प्रश्नों के जवाब, जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आप जानना चाहते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जो आपके चार्ट से दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार, एक एग्जैक्ट जानकारी आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा अप्रैल में, ये नव ग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, ठीक है, आपको भी समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई अगर आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है, कोई भी, एक बार चेक कर लेना कहीं वो स्कैम तो नहीं है। चलिए अब जानते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा अचूक उपाय जो आपको फॉलो करने चाहिए। जब अप्रैल शुरू होगा ना दोस्तों, तो मिथुन राशि से नवग्रह कुछ इस प्रकार से रहेंगे आपके, ठीक है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में हम जान लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। दोस्तों, आपके सूर्य राहु शुक्र 10th हाउस में है, आपके 4th हाउस में है केतु, आपके 9th हाउस में है शनि मंगल, और आपके 11th हाउस में है बुध और गुरु। दोस्तों, जो हमारी हेल्थ होती है ना, हमारा स्वास्थ्य, वह हम 1st हाउस से देखते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। तो आपके राशि के स्वामी बुध कहां पर विराजमान है, बुध है आपके दोस्तों 11th हाउस में, लेकिन वो 10th हाउस में आ जाएंगे वक्री होके। यहां पर मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक है, लेकिन बुध नीच के हो जाएंगे, नीच भंग भी होगा, और बुध गुरु आपके 11th हाउस में, स्वास्थ्य संबंधित चिंता तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा खाने पीने पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है, शनि की दृष्टि है गुरु पे, तो डाइजेशन खराब ना हो, गैस्ट्रिक आपको प्रॉब्लम ना हो, हेडेक का इशू ना हो, ठीक है, क्योंकि राहु केतु केंद्र में विराजमान है आपके सूर्य के साथ में। 14 अप्रैल तक हेडेक का इशू थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, और थोड़ा बहुत खाने पे, और इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड, बाकी हेल्थ में कोई मेजर इशू बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात करूँ आपके पढ़ाई को लेकर, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, दोस्तों 5th हाउस होता है पढ़ाई का, 5th लॉर्ड बनते हैं आपके शुक्र, शुक्र उच्च के हैं आपके 10th हाउस में, शुक्र उच्च के हैं सूर्य और राहु के साथ में, पढ़ाई तो यहाँ पर आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन राहु के साथ में बैठे हुए हैं, कभी कभी ना ये मन को भटका के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर ऑनलाइन डिजिटल ऐसी जगहों पे मन भाग सकता है आपका, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, फिर राहु के साथ में केंद्र में फैशन या फिर कहीं भी किसी भी तरह आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, इसको थोड़ा सा एकाग्र करिएगा। अगर आपका इस महीने कोई भी एग्जाम है तो मैं कह सकता हूं कि एग्जाम आपका अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, फिर ऊपर से गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके 5th भाव में पड़ रही है, तो पढ़ाई तो यहां पर मुझे अच्छी दिख रही है, शनि भी आपके अपने घर में है, तो पढ़ाई यहां पर आपकी अच्छी रहेगी, खासकर अगर आपका एग्जाम 25 अप्रैल के बाद है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करूं प्रेम प्यार की, लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका। दोस्तों, 5th भाव लव रिलेशन का भी होता है, प्रेम प्यार का भी होता है, ठीक है, और शुक्र राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं, बुध भी आपके 10th हाउस में विराजमान हो जाएंगे, यहां पर लव रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के साथ में बुध भी रहेंगे। पहले अगर आपके लव रिलेशन में परेशानी थी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई व्यक्ति अगर लव मैरिज करने की सोच रहा है, अपने फैमिली में बताने की सोच रहा है, फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लव रिलेशन को लेके, तो ये महीना सपोर्ट करेगा, ऐसा दिख रहा है कि कुछ सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ में बुध भी हैं। हाँ, अड़चन अभी भी थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि राहु भी हैं, कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो नाखुश होगा, और आपके लव रिलेशन से कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने, या फिर कुछ ना कुछ फाइट हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए आपका लव रिलेशन अच्छा ही रहेगा। बात करूं दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी इस महीने। दोस्तों, 7th हाउस 7th भाव होता है मैरिड लाइफ का, 7th हाउस 7th लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति कहाँ है, 11th हाउस में है, पूरे अप्रैल तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है गुरु का, और गुरु 9वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख भी रहे हैं, अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं गुरु, ठीक है। तो जब गुरु अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो मैरिड लाइफ को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि गुरु बैठे भी अच्छे हैं,
आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी अप्रैल के बाद, यानी कि मई से लगाकर, जब गुरु आपके 12वें घर में चले जाएंगे, शत्रु के घर में। लेकिन अप्रैल में कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रैल में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इवन आपके लाइफ पार्टनर को प्रमोशन या फिर कहीं ना कहीं करियर में थोड़ी बहुत ग्रोथ, फाइनेंशियली प्रॉफिट, बिजनेस है तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखा जा सकता है, या फिर कुछ यात्राओं का सुख भी देखा जा सकता है इस महीने। बात करूं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा आपका अप्रैल 2024 में। दोस्तों भाग्य स्थान होता है नाइन्थ हाउस फॉर लक, 10th हाउस फॉर करियर। तो 9th लॉर्ड बनते हैं शनि और 10th लॉर्ड बनते हैं आपके गुरु। पहले भाग्य की बात कर लेता हूं अगर, तो शनि अपने घर में है और किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव आपके 9th हाउस में नहीं है, 9th हाउस पाप कतरी भी नहीं है। शनि अपने घर में बैठ के, 9th हाउस में बैठ के भाग्य को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मंगल वहां क्या कर रहे हैं भाई? मंगल भी 11th लॉर्ड है और मंगल भी 6th लॉर्ड है। हाँ, मंगल थोड़ा सा अड़चन डाल रहे हैं। अड़चन क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड। तो 9th में बैठ के शनि तो वहां पे अपने भाग्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, मजबूत बना रहे हैं आपके भाग्य को, लेकिन मंगल थोड़ा सा वहां पे विघ्न डाल रहे हैं। इसका मतलब अर्थ क्या है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई भी बड़े काम, किसी काम की शुरुआत इस महीने करना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या फिर कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ अगर हम लेते हैं, करते हैं, तो भाग्य अच्छा होना चाहिए। भाग्य आपका अच्छा है इस महीने, लेकिन मंगल थोड़ा सा, बस कहते हैं ना कि टाइम लगा सकते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो इस महीने योग अच्छे हैं, भाग्य अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर कहते हैं ना कि थोड़ा अड़चन, थोड़ा विघ्न आता है चीज़ों में। तो ये मंगल यही कर रहे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं ना, क्योंकि शनि के साथ में, तो अच्छा नहीं होता है। बात करूं करियर की, तो 10th हाउस होता है करियर का, 10th लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। जुपिटर आपके 11th हाउस में है बुध के साथ में। भाई जुपिटर बहुत अच्छे हैं, 10th लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठ के पंचम भाव को देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, यानी कि 3rd हाउस को देखने का मतलब है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं काम कर लूंगा। ये आपके बारे में बता रहा हूं मैं, कि जैसा मेरे पास काम आएगा मैं कर लूंगा, मैं ना नहीं बोलूंगा। अगर मार्केट का काम होगा कर लूंगा, जैसा भी काम होगा ना, इस महीने आप बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ में काम करेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके अच्छे हैं। इवन आपका सूर्य भी 11th हाउस में आ जाएंगे, अभी 10th हाउस में है। 10th हाउस में सूर्य, शुक्र, राहु, यानी कि बड़े ही आप ना बहुत ही माइंडेड देखे जाएंगे इस बार। आपका बहुत शार्प माइंड होगा, और खासकर पॉलिटिक्स में है आपका करियर, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आपका करियर चाहे किसी भी फील्ड में है, कोई भी डेजिनेशन है आपकी, ये महीना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है मिथुन राशि वालों के लिए करियर को लेकर। क्योंकि एक तो आपका शुक्र भी उच्च के हैं 10th हाउस में, फिर आपके सूर्य जो हैं वो भी उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को, फिर आपके जो 10th लॉर्ड जुपिटर है वो भी मित्र के घर में जाकर बैठे हैं। यानी कि आप चाहे यहां हाथ डालें, चाहे यहां हाथ डालें, काम आपका सक्सेस होगा ही होगा। और इस महीने 95% चांसेस है नौकरी मिलने के 14 अप्रैल के बाद। अगर व्यापार की बात करूं दोस्तों, 7th हाउस होता है व्यापार का, 7th लॉर्ड जुपिटर आपके 11th हाउस में है। ये महीना व्यापार को लेके बहुत अच्छा है, ठीक है? आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं व्यापार को लेकर। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको, सूर्य राहु के साथ में है 14 अप्रैल तक कन्फ्यूजन होगी। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, पेशेंस लेवल, खासकर धैर्य बनाकर चलें। आप अपने काम को स्वयं बिगाड़ सकते हैं 14 अप्रैल से पहले, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करना चाहिए आपको दोस्तों? रोजाना आपको गणेश जी की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। आपको रोजाना बुध ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ करें आप डेली, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, ठीक है? कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।